अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम शोरबे वाले आलू और चावल उबाल रहे हैं। गर्मियों का सीज़न है तो हल्की फुल्की गज़ा खाने का दिल करता है, तो ये हमने पानी चावलों के लिए उबाला है और चावल हमने धो के पानी में भिगो के रख दिए हैं। जब पानी उबलेगा तो इसमें हम चावल डाल देंगे। और ये हमने दो बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और इनको हमने कर लिया है अब ग्राउंड। अब इसमें जाएगा ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको अब हम करते हैं अच्छे तरीके से फ्राई। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे आगे क्या करते हैं। ये फ्राई होगा, साथ साथ हम इसके आलू भी डाल देंगे। गर्मियों का सीज़न है, जल्दी जल्दी पकाएंगे क्योंकि ज़्यादा देर चूल्हे के पास खड़े नहीं होने होता। तो ये अब हम इसमें आलू भी साथ ही ऐड कर रहे हैं। लहसुन और अदरक के पेस्ट में आलू को हम करते हैं अच्छे तरीके से अब फ्राई। फिर इसमें मसाला जाएगा, टमाटर और ग्रीन मिर्चें हमने काट के रखी हैं वो जाएंगी। उसके बाद ये सारे मसाले जाएंगे, तो फिर आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको पूरी रेसिपी देंगे। ये हल्दी की एक चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दी है, खुशक धनिए की एक चम्मच ऐड कर दी है, टमाटर और हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं, लाल मिर्च का पाउडर एक चम्मच ऐड कर दिया है और मेरे पास ये गरम मसाला है, थोड़ा सा भी ऐड करेंगे उसके बाद मैं ऐड करेंगे। और नमक हसबे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आपके पास चीज़ की मिकदार है। तो नमक मैंने शामिल कर दिया है, ये टमाटर, ग्रीन मिर्चें और जिसमें नमक, खुश्क धनिया, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला। अब इन सब को हम अच्छे तरीके से करेंगे फ्राई। जब इनकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। ये हमने आलू को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, अब इसमें ये पानी जाएगा। हम इनके शोरबा बनाएंगे। गर्मियां हैं, गर्मियों में शोरबे वाले आलू और उबले हुए चावलों का अपना ही जायका है। साथ रायता बनाएंगे दही वाला। और आज आप हमारे साथ रहिए, आपको पूरी रेसिपी देंगे। इधर ये चावल उबलना स्टार्ट हो गए हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो इनको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये अब हम इसको भी छान लेंगे। ये चना हमने रखा हुआ है, उधर हम चावलों को छान लेंगे और फिर आपको बताएंगे आगे क्या करना है। ये उबले हुए चावल हमने पानी इनका छान लिया है और तैयार कर लिए है। माशाल्लाह एक दाना निखर कर आया है और साथ ही जो मैंने आलू बनाए थे तो वो भी गल चुके हैं और तैयार हो चुके हैं। इनका भी चूल्हा करते हैं हम बंद और इनमें भी हम ये गरम मसाला ऐड करते हैं। साथ ही हम ये खुश्क मेथी ऐड करते हैं, ऊपर से लगा लेते हैं ढक्कन। अभी आपको दिखाते हैं, चावल हमने उबाल लिए हैं और ये भी तैयार है मसाले के साथ। ये देखिए, शोरबे के साथ आलू हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं, साथ रायता भी बन रहा है, तो भी हम आपको दिखाते हैं। ये अब हमने उबले चावल, आलू और रायता तैयार कर लिया है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।